इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब बात कोरोना के खिलाफ जंग में भारत पूरी दुनिया के सामने मिसाल बनता जा रहा है। भारत में अब तक सबसे ज्यादा 1,54,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। दूसरे राउंड में स्पीड और भी तेज हो गई है। 2 दिन में ही 6,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। जब खुद टीका लगवाकर पीएम मोदी ने मिसाल कायम की तो लोगों का भरोसा भी उमड़ आया। वैक्सीनेशन ड्राइव के दौरान टीका लगाने वाले सेंटर्स के बाहर का नजारा कुछ ऐसा दिख रहा है। कहीं लंबी लाइन ने हौसला नहीं तोड़ा तो कहीं गर्मी लोगों के इरादों को डिगा नहीं पाई। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर आए। इसका ही नतीजा है कि अब तक 50,00,000 लोगों ने कोविन ऐप पर रजिस्टर करवाया है। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में मंगलवार शाम तक 6,09,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, जिनमें 5,21,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज दी गई। 4,34,000 से ज्यादा लोग 60 साल से ऊपर की उम्र के थे। 60,000 से ज्यादा लोग 45 साल से ऊपर की उम्र के थे। क्या नेता क्या जनता, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। राउंड 2 के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के RR अस्पताल में वैक्सीन लगवाई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी पत्नी के साथ टीका लगवाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने भी दूसरे दिन टीके की पहली डोज ली। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है, जबकि प्राइवेट अस्पताल में ₹250 की एक डोज है। ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें हैं, जहां सरकारी और प्राइवेट यानी दोनों अस्पतालों में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गए। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो तो लाइन में खड़े थे। उनके साथ कई ऐसे लोग थे जो ऑन द स्पॉट टीका लगवाने के लिए अस्पताल और कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर इकट्ठा हो गए। इसी चक्कर में सर्वर डाउन हो गया। अचानक से इतनी तादाद में लोग आ गए और यहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई वैक्सीनेशन सेंटर के भीतर जाना चाहता है ताकि वैक्सीन ली जा सके। कई देर से लोग खड़े हैं। इतने लोग आ गए? नहीं नहीं, अचानक से नहीं, उनका सिस्टम ही डाउन है ऐसा बोल रहे हैं। तो अचानक से लोग नहीं, रजिस्टर्ड हमारा है तो भी नहीं लेते ना अंदर। तो अभी क्या है पता नहीं, हम तो बैठे हैं आराम से। 2 घंटा हो गए रजिस्टर किया हुआ है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता किधर जाना है कैसे जाना है, सब ये हो गया इधर। वैक्सीनेशन के लिए भीड़ ऐसी उमड़ी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। लोग उत्साह में टीका लगवाने तो आए, लेकिन इंतजाम देखकर परेशान हो गए। रजिस्ट्रेशन का OTP नहीं आ रहा है ऐप में, तो वॉक इन चालू किया था। जिन्होंने रजिस्टर किया है उनको भी AC लाइन में खड़ा रहना है। आप देख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, कोई कोई जन 7 बजे से आके बैठा है। We are waiting years in the past 1 hour. व्हीलचेयर भी नहीं मिला, जो व्हीलचेयर के लिए मैं मांग रही हूँ, व्हीलचेयर नहीं। मेरा तो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी, ऐप में किया, टाइम दिया है, सब कुछ। व्हीलचेयर चाहिए, ये देखिए। और इधर अलग लाइन भी नहीं करते है, एटलीस्ट कीप अ सेपरेट लाइन। व्हाट इज दिस? आई डोंट नो, यू नो, व्हेन आर वी गोइंग टू गेट ऑर्गेनाइज्ड? I don't have anything else to say. सोशल डिस्टेंसिंग का रखना चाहिए ना, हम घर में किसी को टच नहीं करते हैं और यहाँ तो देखो। इसी तरह की तस्वीरें अहमदाबाद से भी आई। वैक्सीनेशन के लिए गुजरात में 2,195 सरकारी हॉस्पिटल और 536 प्राइवेट अस्पतालों को डेजिग्नेट किया गया है। गुजरात में 2 दिन में 1,17,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। सोमवार को सिर्फ 80 लोग ही वैक्सीनेशन करवाने आए थे, लेकिन दूसरे दिन सुबह से लोगों की लाइन लग गई। मैंने तो जब पहले से सरकार ऐलान किया था और घर पे जब आए थे तब से मैंने एक कर दिया कि बिहार लेना मेरे को, मैंने डर नीचे तो तब से कर लिया था। एक अच्छा मैसेज है कि भाई देश के प्रधानमंत्री अगर उसमें ले रहे हैं और सबको लेना भी चाहिए, तो देश हित में है ना, सबके लिए अच्छा है तो लेना ही चाहिए। मैं तो सीधा मानता हूँ, ये सरकार हमारे लिए कर रही है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ले सकते हैं, गृह मंत्री ले सकते हैं, बाकी सब लोग ले सकते हैं, तो ये हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई डर नहीं है। गवर्नमेंट ने जो भी बंदोबस्त किया है वो हमारे अच्छाई के लिए किया होगा। हमने मन पहले से ही बना लिया था, वैक्सीन तो लेनी है। जब इतना रिसर्च इस पे चली है, सब कुछ हुआ है, फिर आगे हम लोग नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? वैक्सीनेशन का काम तेजी पकड़ चुका है। अब तक 1,54,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन महाराष्ट्र और केरल से कोरोना संक्रमण के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं।
देश में फिलहाल 167,175 एक्टिव केस हैं, जबकि मंगलवार को 14,987 नए केस सामने आए। सबसे ज्यादा 79,000 एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। मंगलवार को 7,863 नए केस आए। दूसरे नंबर पर केरल है, जहां 47,274 एक्टिव केस हैं। मंगलवार को 2,938 नए केस आए। महाराष्ट्र और केरल में देश भर के कुल केस का 75% संक्रमित लोग हैं और यही चिंता की वजह बना हुआ है। हालांकि वैक्सीन ड्राइव तेज हो चुकी है और जिस जोश के साथ ये काम चल रहा है उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत जल्द ही इस जंग को पूरी तरह से जीत लेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।